दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए कोई भी पॉजिटिव मैसेज नहीं लाएगी और जितना गुस्सा आप लोगों के सामने या आप लोगों में है इस वक्त, शायद थोड़ा सा पैनिक माहौल भी होगा, वो दोस्तों मेरे पास भी है, क्योंकि आज हम लोगों के सामने बिल पूरी तरीके से सामने आ चुका है। बिल तो नहीं, ऐसा ड्राफ्ट हम इसे कह सकते हैं कि ये ड्राफ्ट जो है, जो कि हम लोगों को कुछ टाइम पहले ब्लूमबर्ग के ऊपर देखने को मिला था, वो ड्राफ्ट अब हमारे सामने है। और इसके लिए दोस्तों मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वरुण जी को, जो कि ब्लॉकचेन लॉयर है, उन्होंने ये ड्राफ्ट पूरा लेके आया है। फिलहाल में इसका सोर्स पता नहीं पड़ा है कि सोर्स कहाँ से आया है, कौन से डिपार्टमेंट से आया है, लेकिन जो सारी बातें थी जो कि ब्लूमबर्ग ने अपने आर्टिकल के अंदर छापी थी, वो सारी दोस्तों यहाँ पे ट्रू हो गई हैं। एक लाइन में दोस्तों इसकी बात करते हैं कि एक्चुअल में इस बिल के अंदर क्या है। तो अगर आप बिटकॉइन को माइन करते हो, होल्ड करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, या फिर आप बिटकॉइन में कोई भी स्टार्टअप करते हो, कुछ भी, यानी कि आप बिटकॉइन में कुछ भी करते हो, तो आप एक दोषी हो। आप एक तरीके से आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो कि इसको यहाँ पे इलीगल कर दिया जाएगा। इस बिल के अंदर दोस्तों हम लोगों ने पहले देखा था कि 1 से 10 साल की जेल है। दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं आपको बता दूंगा। और ये जो दोस्तों अमेंडमेंट है, बेसिकली इसमें 1 से 10 साल की जो जेल और जो फाइन है, डिफरेंट डिफरेंट प्रस्पेक्ट से लगाया जाएगा। जैसे सपोज करेगी किसी के लिए, यहाँ पे जो कोर्ट होगा वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि आपने इसको किस इंटेंशन से यूज़ करा है, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड बहुत सारी चीज़ें। इस बिल में दोस्तों इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि शायद मैं इस वीडियो में आपको बताते बताते पूरा 18 पेज पूरे पढ़ने पड़ जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारे सामने अब क्लियर हो गई है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स, अभी गवर्नमेंट है या नहीं है वो कुछ हमें नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है और जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा डांस यहाँ पे हो गया है। फिलहाल में सर मेरे गुस्सा ये है कि भाई हमारा पैसा हम खुद यूज़ नहीं कर सके, कहीं नहीं कर सके, तो फिर वो किस काम का है। यानी कि RBI ने यहाँ पे सीधे साइड में ये चीज़ आ जाएंगी। और इसके अंदर दोस्तों रेगुलेटर्स की भी बात करी गई है कि इनको जो देखेंगे वो होगा RBI होगा, और उसके बाद जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को देखने वाले हैं। प्लस इस बिल में आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप वरुण सेठी जी के डायरेक्ट ट्विटर हैंडल पर जाइए और वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिए कि इसके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल में दोस्तों पैनिक मचाने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे को पता आप सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं क्योंकि आपने 2018 का पूरा पूरा बियर फेस देख लिया है, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब ये बात आएगी कि यार आखिरकार अगर बिटकॉइन को बैन करती है गवर्नमेंट तो हमारे बिटकॉइंस का क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस बिल के अंदर ये भी चीज़ बताई गई कि आपको 90 डेज का टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पर जो रेगुलेटर्स है वो यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से इसको डिस्पोज करना है। यानी कि अगर आपके पास BTC, क्योंकि अगर BTC बैन कर देगा तो ना तो मैं लूंगा ना सामने वाला लेगा, तो फिर कैसे चलेगा, लाइक डीमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे वो इसकी भी कुछ पॉलिसी बताएंगे जिसमें आपको 90 डेज के अंदर इसको डिस्पोज करना होगा, और आपको बताना होगा कि आपके पास कितना क्रिप्टो का फंड यहाँ पे था। तो मुझे बस यहीं पे ये चीज़ डाउट है कि यार हमारा पैसा अगर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, तो ये पैसा किस काम का है। और इसी को दोस्तों कल आप सभी को मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी, बट कल संडे था तो वीडियो नहीं बन पाई। एक पर्सन है बाहर के, उनका आप यहाँ पे देख सकते हो, उनके एक बैंक है फार्गो करके, बाहर का बैंक है, उन्होंने यहाँ पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी या ब्लॉक करा था, पूरा एकदम क्लियर नहीं है। तो उन्होंने उनका डेबिट कार्ड काट के रख दिया, बोले कि ले भाई तू तेरा बैंक तेरे पास रख, क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग किस तरीके से चलता है और कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे क्रिएट करता है। फिलहाल में दोस्तों इसका नहीं पता आगे चल के क्या होगा, लेकिन हाँ अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये ड्राफ्ट है, कोई बिल नहीं बन गया है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आएंगी। प्लस दोस्तों इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि इंडिया का है उसको भी मिक्स करने वाले हैं, कि अगर आप उससे कुछ भी ऐसा करते हो या फिर कुछ भी पाए जाते हो तो आपके ऊपर दोनों के दोनों केसेस यहाँ पे होंगे। तो अब इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लिंक और ये सारी दे दूंगा। देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आगे निकल के आती है, पर फिलहाल मैं घबराने की बात नहीं है। अभी आप क्रिप्टो में जो चाहे वो करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, जब तक ये बिल अप्लाई नहीं होता। और अभी जो नेक्स्ट सेशन है वो शायद दिसंबर में होगा पार्लियामेंट का, तब इसको वहाँ पे प्रपोज करा जाएगा, एंड देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। बाकी हमारी जो कम्युनिटी उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी कि हम लोग कैसे भी करके क्रिप्टो को इंडिया में रेगुलेट करवा सकें और सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में ला सकें। तो प्लीज़ दोस्तों वापस हम सभी को एक टाइम आने वाला है जहाँ पे कि हम सबको एक यूनिटी के अंदर आना होगा और कुछ अच्छे से काम करना होगा, वरना फिर ये चीज़ एक इतिहास में हो जाएगी और जो आज हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक गोल्डन बीन हमारे हाथ में है वो ऐसा निकल जाएगा और फिर से जो पावर है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास हो जाएगी।
ना कि कोई डिसेंट्रलाइज कुछ रह जाएगा। तो अब मैं दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। ज़्यादा भी फिलहाल में पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्से कारण शायद मैं कुछ ऊपर नीचे बोल जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा वो सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अगर आपको ड्राफ्ट बनना है तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, या फिर आप वरुण सेठू जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहाँ जाके भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। और बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।